नमस्ते दोस्तों, पहले आप ब्राउज़र में इस यूआरएल को टाइप कर लें। उसके बाद आपका एफएमएस का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दे देंगे, आपका एफएमएस ओपन हो जाएगा। इसमें आप लेफ्ट में दे सकते हैं एक टीम लिखा हुआ है, टीम में क्लिक करें, फिर उसमें मैनेज टीम में क्लिक करें। जैसे आप मैनेज टीम में क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। आपको यहाँ पर ऐड में क्लिक करना है। ऐड में क्लिक करके आप आईडी नंबर कुछ एक बना दे उस मेंबर का। उसके बाद उस मेंबर का आपको नाम लिखना है। जैसे हम नाम लिख लेंगे, उसके बाद आपको उनका रोल डिफाइन करना है कि वो इस आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करते हैं। अगर वो सर्विस में है तो सर्विस में क्लिक कीजिए, अगर वो मैनेजर है तो मैनेजर में क्लिक कीजिए। तो मैंने यहाँ पे सर्विस में क्लिक कर लिया है। उसके बाद उनका लोकेशन लिखना है, वो किस लोकेशन में वो काम करने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पर बालेश्वर लिख लिया है। उसके बाद एड्रेस में आपको उनका एड्रेस लिख लेना है। मैंने एड्रेस में भी बालेश्वर ही लिख लिया है, क्योंकि वो बालेश्वर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इनपुट देना है। इस मोबाइल नंबर को वो तिवरा में लॉग इन करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो इस मोबाइल नंबर को जो उनका मोस्टली वो यूज़ करते हैं उसी नंबर को दें। इसके बाद में और भी कुछ आपको फिलअप करना होगा। जैसे यहाँ पे उनका ईमेल आईडी क्या है, वो ईमेल आईडी आप इनपुट कर दें। उनका एक शॉर्ट कोड भी बना दें। जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर जो कुछ भी है तो उसके साइड में एक शॉर्ट कोड उसका बना के आप 0102 ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही वीर अंडरस्कोर 01 बना दिया है। इसके बाद आप इसे सेव कर लें। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ मैसेज आएगा, आप उसको ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद पे आपको सक्सेसफुल होने का एक मैसेज भी आ जाएगा। ये पे देखिए, आपको लिस्ट में उनका नाम डिटेल सब दिखा रहा है जो आपने एंट्री किया था। आप चाहे तो इसे फिर बाद में एडिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।